गर्मियों में सभी को ठंडे ड्रिंक बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वो अगर साथ में हेल्दी हो और साफ सफाई से बिना केमिकल के घर में बनाए गए हो तो इसका टेस्ट और भी कई गुना बढ़ जाता है। तो फ्रेंड, मैं हूँ संगीता और आज हम घर पर ही गुलाब की सिरप को यानी कि गुलाब का शरबत किस तरह तैयार करते हैं बनाएंगे। मैंने इसमें कोई चीनी का भी यूज़ नहीं किया है, तो आइए तैयार करते हैं इसको। तो रोज़ सिरप बनाने के लिए मैंने लिए हैं यहाँ 8 से 10 गुलाब और उनकी पत्तियों को इस तरह से अलग कर लिया है। अब पत्तियों को अच्छे से पानी डालकर वॉश कर लेती हूँ इस तरह, और एक बॉल में 2 कप पानी डालकर पैन में बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। 5 से 6 मिनट इसको बॉईल करेंगे, तब तक कि फूल अपना कलर न छोड़ दें। अब इस तरह फूलों ने अपना कलर छोड़ दिया है। अब एक कढ़ाई में 1/2 लीटर पानी डालकर मैं इसको रख देती हूँ। मैं इसमें मिश्री का यूज़ करूँगी क्योंकि मिश्री हेल्दी होती है और ये गर्मियों में बहुत ठंडी होती है। इस तरह इसको बॉईल करते हुए चलाते रहेंगे तब तक कि इसमें ये पूरी तरह डिसॉल्व ना हो जाए। तो मिश्री पूरी तरह इसमें पानी में घुल गई है, तो अब मैं इसमें जो पत्तियां बॉईल की थी रोज़ की, उनको इसमें छान कर डाल देती हूँ। अब हमें एक तार की चाशनी इसको तैयार करनी है, तो एक चेक कर लेते हैं। तो अब ये बनकर तैयार हो गई है, तो गैस बंद कर देती हूँ। कलर थोड़ा इसका लाइट रहेगा क्योंकि इसमें मैंने कोई कलर का यूज़ नहीं किया है। अब आप एक नींबू का रस इसमें डालेंगे ताकि वो लंबे समय तक रहे और इसके टेस्ट को भी बढ़ाए, तो इससे इसका टेस्ट और भी कई गुना बढ़ जाता है। और साथ में रोज एसेंस की 2 स्पून डाल देती हूँ इस तरह। अब जैसे ही हम नींबू का रस इसमें डालते हैं तो उसका कलर थोड़ा डार्क हो जाता है। साथ में मैं 2 चम्मच इसमें बीटरूट के रस की भी डाल देती हूँ ताकि इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाए। आप यहाँ कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब ये ठंडा हो गया है और एक जार में इसको डाल लेती हूँ और एक साफ बोतल में भरकर इसको रख लेंगे इस तरह से। अब जब भी इसको आप यूज़ करना है तो 2 चम्मच इसमें से लेंगे, या आवश्यकता अनुसार आप ले सकते हैं। और इसकी इसमें अच्छा सा आइस डालकर आप यूज़ करेंगे इसका, तो ये और भी टेस्टी हो जाएगा। तो फ्रेंड, ये इतना टेस्टी लगता है कि आपको पीने के बाद सारे मार्केट के गुलाब के शरबत भुला देगा। तो आप भी इस ड्रिंक को घर पर तैयार करिए जो कि बहुत हेल्दी है। तो फ्रेंड, वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ में सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।